हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ रणवीर जाखड़, टीम कमस्सी, सीएलसी सीकर। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरा इतिहास तुझे खुद लिखना पड़ेगा, इसके लिए खुद को रातों में जगाना पड़ेगा। मैं रब से यही दुआ करता हूँ कि जिस दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी, उस दिन तू डॉक्टर जरूर बन जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं एमटीएस सेकेंड की। सवाल अपने दे रखा है 74 नंबर। क्या पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ C4H8O गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों को मिक्स करके बहुत ही शानदार सवाल बनाया गया है। C4H8 और O, C4H8 और O में आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड आपको बनाना है। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो CH3, CH2, CH2 और एक क्या बनाया जा सकता है आपका एल्डिहाइड, और एक आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कीटोनों में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों आपस में FZI हैं। बट आपको पता है कि कौन आइडोफोम टेस्ट देता है? आइडोफोम टेस्ट आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग CH3CO ग्रुप, यानी कि जिसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है दोस्तों, वो क्या देता है? आइडोफोम टेस्ट यो करता है, मिथाइल कीटोन। अब देखो, मिथाइल कीटोन एल्डिहाइड के पास तो कोई हो नहीं सकता। एल्डिहाइड में एकमात्र एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म टेस्ट यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, और वो कौन है दोस्तों? एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड को छोड़कर और कोई भी एल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड को था हटा सावन की घटा, ये अपने कोई काम का नहीं है। कीटोन बच गया अपने पास, कीटोन में आपको पता है CO कमीना होता है, ये बीच में आएगा, तो CH3CO इसके पास है, तो इसका मतलब ये टेस्ट देगा और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है दोस्तों? I2+ NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CHI3, यानी कि येलो PPT बनेगी, और साथ में अपने पड़ोसी क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यही मिलेगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो कितने कंपाउंड बनाए जा सकते हैं दोस्तों स्टीरियो आइसोमर्स को छोड़कर? इसका मतलब चाहे स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड कर लेते तो भी एक ही आंसर आता अपने, कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं दोस्तों? एक अकेला है जो एक ही इसका कीटोन बनाया जा सकता है, और एक कीटोन है वही क्या योग्य दोस्तों? हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है, 75 नंबर सवाल, देखिएगा दोस्तों क्या चाहता है ये। ये कह रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है दोस्तों, हाउ मनी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आर पॉसिबल व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटिल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड और क्या दे रखा है? प्रोपेनल्डिहाइड दे रखा है, हीटेड विद डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो क्या देगा ये एल्डोल कंडेंसेशन? वो लोग देंगे दोस्तों, यानी कि वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो वीक बेसिक मीडियम में क्या शो करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। पहले एल्डोल बनेगा, उसके बाद में उसको हीट करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। तो अपने पास क्या दे रखा है दोस्तों? एक तो क्या दे रखा है अपने पास? एसिटिल्डिहाइड, और दूसरा अपने को क्या दे रखा है? प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बेहद ही प्यारा सा सवाल है। एक बार इसका अल्फा खुद ही खुद के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या दे देगा दोस्तों? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, यानी कि अपने को क्या मिल जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO, वीक बेसिक मीडियम लेते हैं, और ये खुद ही खुद के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी कि इसी का ही अल्फा इसी के साथ में रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, तो यहां पे अगर अपन बात करें तो डबल बोन ओ और इसका अल्फा पार्टिसिपेट करवाओगे तो क्या आ जाएगा? CH3CHO ये बन जाएगा। ये दोनों तो दोस्तों क्या है? सेल्फ एल्डोल है। अब क्रॉस की प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो इसका अल्फा इसका ऑक्सीजन, और दूसरी बार क्या कर देंगे? इसका अल्फा और इसका ऑक्सीजन, तो दो सेल्फ के बन जाएंगे और दो क्या बन जाएंगे? क्रॉस के प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक बार इसका अल्फा और इसका ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करवा दीजिए, CH3CH2CH डबल बोन ओ और CHCHO, ये मिला दोस्तों। और दूसरी बार अपन क्या करवा देंगे? इसका अल्फा और इसका ऑक्सीजन, ठीक है, हटा दो तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? ये मिल जाएगा CH3CH डबल बोन, यहां पे क्या आ जाएगा? CH3 और CHO। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे दोस्तों? चार। अगर वो आपसे इंक्लूडिंग SI की बात करता तो टोटल 8 हो जाते, क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग क्या शो करते हैं दोस्तों? GI शो करते हैं। अपने को एक्सक्लूडिंग पूछा है, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? 4। ठीक है, बेहद ही प्यारा सा सवाल है, ये NCERT का ही है। चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है, 76 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है ये। ठीक है,
क्या कह रहा है, ईथर इज प्रीपेड बाय बेस्ट, ठीक है। बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड की अगर अपन बात करें तो आपको पता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आपने पढ़ा है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है दोस्तों कि आर ओ नेगेटिव और एन ए के ऊपर क्या आ गया दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये तो क्या है न्यूक्लियोफाइल, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, SN2 रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और एक्स रिमूव हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो गया दोस्तों, आर ओ आर, ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आप एसिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हो। यहां पे आपको पता है कि ये बल्कि हो सकता है, यानी कि ये आपके पास क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल मोटा हो सकता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, छोटा होना चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी, अदरवाइज एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर यहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी तो दोस्तों वो एलिमिनेशन कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है आपको, देखिए बल्कि दे रखा है, यानी कि एल्काइल हैलाइड आपके पास क्या दे रखा है दोस्तों, बल्कि दे रखा है, और बल्कि ही क्या दे रखा है आपको, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो इससे ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, मेजर प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहां क्राउडिंग ज्यादा है, और ये भी मोटी भैंस है, इसके साथ रिएक्शन करवाने का प्रयास करोगे तो ये इसके जड़ तक अटैक नहीं कर पाएगा, तो कहां पे अटैक कर देगा दोस्तों, इसके पड़ोसी के पास, यानी कि ये इसके पास अटैक करेगा, ये बोन यहां पे, और इसको रिमूव कर देगा, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई दोस्तों, तो इससे आप नहीं बना सकते ईथर। ये कंसंट्रेट H2SO4 दे दिया दोस्तों, कंसंट्रेट H2SO4 आपको पता है किसका काम करता है, डिहाइड्रेशन का काम करेगा दोस्तों, तो एलिमिनेशन हो जाएगा इसमें भी, यानी कि आप क्या बना दोगे दोस्तों, एल्कीन का फॉर्मेशन कर दोगे, ठीक है। और इसकी अगर अपन बात करें तो कोल्ड डाइल्यूट, कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है, और कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4 NCERT में अपने हाइड्रोकार्बन में दे रखा है दोस्तों, तो यहां पे अगर अपन बात करें तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, अपने कंसंट्रेट H2SO4, यानी कि पहले H पॉजिटिव का एडिशन होगा और साथ में क्या होगा, HSO4 नेगेटिव, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग चिपका दोगे दोस्तों, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO और H का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि टोटल ओवरऑल क्या बन जाएगा, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यही मिलेगा अपने को। तो इससे भी अपन क्या नहीं बना सकते दोस्तों, ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये देखिए अब ये क्या है, बल्कि बेस है, लेकिन ये अपने पास जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है दोस्तों, छोटा एल्काइल हैलाइड दे रखा है, ये अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और ये रिमूव हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, SN2 रिएक्शन, ये बेस्ट मेथड हो गया दोस्तों। कौन सा आंसर मिल जाएगा अपने को, फोर्थ आंसर मिल गया, ठीक है। चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को सवाल दे रखा है 77 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सवाल है। अपने से क्या पूछा गया है, द ड्रग्स यूज एन ए एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, यानी कि प्रति अवसादक ड्रग्स की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, यानी कि नर्व सिस्टम को एक्टिव करने वाली ड्रग्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैंक्यूलाइजर बोला जाता है, और ट्रैंक्यूलाइजर यानी कि नर्व सिस्टम को एक्टिव करने वाली ड्रग्स कौन सी है, ठीक है, और प्रति अवसादक ड्रग्स कौन सी है दोस्तों। आयोडीन टिंक्चर की अगर अपन बात करें तो ये नहीं हो सकता, ये कैसा होता है दोस्तों, 2-3% अल्कोहल और वाटर में मिक्सचर होता है, किसका, आयोडीन का, ठीक है, और जिसे आप क्या बोलते हो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। इक्वोनिल, इक्वोनिल क्या होती है दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट होती है, यानी कि प्रति अवसादक, यानी कि कौन सी दवा है दोस्तों, ये ट्रैंक्यूलाइजर है, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो पेरासीटामोल क्या है दोस्तों, पेरासीटामोल की अगर अपन बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स ही है, बट ट्रैंक्यूलाइजर नहीं है, ये कैसी है, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक नरेंद्र मोदी पान नहीं खाते उसमें आता है दोस्तों, ठीक है, ये पेरासीटामोल है। और जेनटेक आपको पता है दोस्तों क्या होती है, एंटी एसिड होती है, कैसी होती है, जेनटेक रेंटिडीन, ठीक है, ये कैसी होती है भला, एंटी एसिड होती है। और ये इक्वोनिल कैसी है, इक्वोनिल की अगर अपन बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट है, ट्रैंक्यूलाइजर को आप याद किया जा सकता है कि नंबर ऑफ दिया इन सेकेंड ईयर आर वेरी लो, ठीक है, और फिनाइल अटेम्प्ट आप याद कर सकते हो दोस्तों, इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है, तो अपनी क्लास में भी बात की थी। तो इक्वोनिल इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इक्वोनिल कैसी है, एंटी डिप्रेसेंट है। आगे अगर अपन बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है, 78 नंबर सवाल, बायोमोलिक्यूल का बेहतरीन सवाल है दोस्तों। देखिए क्या पूछा गया है अपने से, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है दोस्तों, सही कथन कौन सा है। देखो
मोनोसेक्राइड आर ऑप्टिकली एक्टिव पोलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। यस सही बात बोल रहा है दोस्तों, यानी कि पोलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास है एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वो क्या होगा दोस्तों, मोनोसेक्राइड होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है सही बात बोल रहा है दोस्तों। फिर अगर अपन बात करें तो क्या कह रहा है, फैक्टोज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन बिकॉज इट इज कीटोज। ठीक है ये गलत बात हो गई दोस्तों, आपको पता है कि ग्लूकोज और फैक्टोज दोनों के दोनों ही टोलेन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। ठीक है अगर अपन बात करें तो फैक्टोज है, फैक्टोज अपने टोटोमेरिज्म में बात करें तो फैक्टोज और ग्लूकोज क्या है, आपस में टोटोमर्स भी हैं और एफजीआई भी हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं। क्यों, क्योंकि ये मैंने क्यों बोला कि ये टोटोमर्स हैं, टोटोमर्स अपने फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो फेलिंग सॉल्यूशन आपको पता है बेसिक मीडियम है। ठीक है बेसिक मीडियम में होता है और आपने पढ़ा है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड गिव टोलेन एंड फेलिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है तो देखिएगा कहानी क्या बयां करती है, ये आपके पास क्या है दोस्तों, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि अगर फैक्टोज की बात करें तो मैं आगे वाले ग्रुप को आर लिख रहा हूं। ठीक है अब आपको पता है कि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन बेसिक होता है, बेसिक मीडियम में है, एल्कालाइन सॉल्यूशन है। ठीक है तो टोटोमर्स शो करेगा और टोटोमेरिज्म शो करवाओगे तो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो आप क्या कर दोगे दोस्तों, ये वाला कंपाउंड आपके पास आ जाएगा यानी कि इनोल फॉर्म बन जाएगी ये आर। ठीक है और यहां पर क्या है दोस्तों OH। अब ये देखिए और ये वापस किसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है तो क्या बन जाएगा दोस्तों, डबल बोन ऑक्सीजन और यहां पे क्या जाएगा CHOH और R में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है तो ये क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड बन गया। अब आपको पता है ये एल्डिहाइड है और ये क्या था, कीटोन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में तो हो गए, तो ये अब क्या शो करेगा दोस्तों, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेन टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। इसका मतलब ये कीटोज नहीं है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड अगर आपको दे रखा है। ठीक है तो वो क्या शो करेगा दोस्तों, फेलिंग और टोलेन टेस्ट शो करेगा। ठीक है तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, अल्फा डी फैक्टोज एंड बीटा डी माइनस फैक्टोज आर एनोमर्स। सही बात बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले जो काइरल कार्बन नहीं था वो क्या हो गया, काइरल हो गया और काइरल यानी कि इसका कार्बन नंबर 5 का प्रेजेंट OH और कार्बोनिल ग्रुप आपस में क्या करते हैं दोस्तों, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, साइक्लिक हेमीकेटल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है यानी कि कैसी फ्यूरेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जब आप हावर संरचना इसकी बनाओगे, तो ये जो काइरल कार्बन, ये पहले काइरल नहीं था, अब कैसे होगा काइरल, इसको आप क्या बोलोगे, एनोमर्स कार्बन बोलोगे। ठीक है एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है और एनोमेरिक कार्बन अल्फा और डी बीटा आपस में क्या है दोस्तों, एनोमर्स हैं, यानी कि दोनों आपस में आइसोमर्स हैं और कौन से आइसोमर्स हैं, एनोमर्स कहा जाता है। तो ये भी राइट है, ये भी अपना राइट था। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर कार्बन 4 एपिमर्स। अब आपको पता है कि डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है और गैलेक्टोज का आपको पता है कार्बन नंबर 3 और 4 दोनों क्या होते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो इसका मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया कि 3 नंबर का तो दोनों में ही सेम है लेकिन गैलेक्टोज का 4 नंबर का OH क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इसका मतलब 4 नंबर कार्बन डिफरेंट हुआ। ठीक है तो सिंगल काइरल कार्बन डायस्टीरियोमर हुआ जिसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या भला, एपिमर्स। क्या कहा जाता है, एपिमर्स, इसका मतलब कार्बन नंबर 4 एपिमर्स हैं। ये सही बात है, कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है दोनों तो उसे क्या बोलेंगे, एपिमर्स बोलेंगे। तो ये भी राइट है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, 1, 3, 4 राइट हो गया अपना। ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तों, 79 नंबर सवाल, बिल्कुल प्यारा सा सवाल, एनसीईआरटी का सवाल दोस्तों। क्या पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज। ठीक है तो सही द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या है दोस्तों, अब आपको पता है कि अपने को क्या दे रखा है, एक तो मिथाइल क्लोराइड दे रखा है। ठीक है यहां H, यहां पे Cl दे रखा है तो ये H इधर देगा, ये H इधर देगा, यानी कि तीनों लोग मिलकर Cl की ओर दे रहे हैं एक ही साइड में, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन इसमें एक ही साइड में है। और अगर अपने दो Cl लगा देंगे दोस्तों तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दो साइड में हो जाएगी। तो ये Cl इधर खींच रहा है, ये Cl इधर खींच रहा है, इसका मतलब इससे डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया दोस्तों, दो लोगों में बंट गया, इधर एक ही लोग
दे रहा था, इधर क्या हो गया दोस्तों, दो लोगों में डिवाइड हो गया, इसका मतलब किसकी ज्यादा, जिसके पास एक है। और अगर अपन तीन सीएल लगा देंगे एक ही कार्बन पर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये इधर और ये इधर, यानी कि ये तीनों अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो इसका भी डायपोल मूवमेंट दोस्तों दो वाले से कम हो जाएगा। और अगर अपने क्या दे दिया जाए दोस्तों, पायरीन दे दी, यानी कि सीसीएल फोर दे रखा है टेट्राहेड्रल पोजीशन में, आपको पता है ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या मिल जाएगा, जीरो। तो किसका ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, जिसके पास एक सीएल है उसका सबसे ज्यादा, जिसके पास चार सीएल है उसके सबसे कम, इसका मतलब कौन सा आंसर मिल जाएगा दोस्तों, सेकेंड आंसर। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है, 80 नंबर सवाल, बेहद ही प्यारा सवाल है दोस्तों। क्या पूछा गया है अपने, विच ऑफ द फ्लोविंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ पी के ए, पी के ए। अब आपको पता है दोस्तों के ए अगर इंक्रीज होगी, के ए इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो अब आपको पता है दोस्तों कि पी के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज, यानी कि एंटी लॉग हो गया ये। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी पी के ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पताल में घुसी हुई मिलेगी। इसका मतलब देख लो कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि मिनिमम पी के ए की वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसका मतलब के ए सबसे ज्यादा किसका है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। माइनस वाले क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है, CWH CWH दे रखा है, और ये NO2 दे रखा है, NO2 का माइनस आई, Cl का भी माइनस आई, Cn का भी माइनस आई, Br का भी माइनस आई, और माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों, NO2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद में किसका नंबर आता है, Cn का, उसके बाद में Cl और उसके बाद में Br, ये चारों ही अपने को दे रखे हैं, तो माइनस आई जिसका ज्यादा होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा रखेगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है, 81 नंबर सवाल, बेहद ही प्यारा सवाल है दोस्तों, जेई मेंस में आया हुआ सवाल है और अपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है ये। ठीक है, देख लो, एयर पोल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट इज, सूर्य के प्रकाश में होने वाले वायु प्रदूषण कौन सा है दोस्तों, ऑक्सीकारक समोग है ये, कौन सा है, ऑक्सीकारक समोग है दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीकारक समोग कौन सा है दोस्तों, सनलाइट की प्रेजेंस में वायु प्रदूषण है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, बेहद ही प्यारा सा सवाल दे रखा है, CF2 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 CF2, यानी कि पॉलीमर है, पॉलीमर कौन सा है, टेट्राफ्लोरोइथीन दे रखी है अपने को, इसका पॉलीमेरिजेशन करवा दोगे, पॉलीमेरिजेशन बहुलीकीकरण करवा दो दोस्तों। ठीक है, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, यानी कि पर ऑक्साइड, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, पर सल्फेट का यूज किया जा सकता है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CF2 और CF2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको आप क्या बोलते हो, टेफ्लोन बोला जाता है, क्या है दोस्तों, टेफ्लोन। अब टेफ्लोन कैसा होता है दोस्तों, टेफ्लोन होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है, यानी कि एडिशन पॉलीमर है, और एडिशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। कंडेंसेशन पॉलीमर ये है नहीं दोस्तों, कंडेंसेशन में कोई छोटा मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी कि बाई फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं और कोई छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोला जाता है, और ये अपना क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यानी कि एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम है, श्रृंखला वृद्धि बहुलकन। बायोडिग्रेबल आपको पता है दोस्तों क्या है, भला जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो है पीएच, बीवी है, नाइलोन 2, नाइलोन 6 है, ठीक है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये क्या है दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल है। नेचुरल पॉलीमर आपको पता है दोस्तों, नेचुरल रबर की अगर अपन बात करें तो क्या है दोस्तों, नेचुरल रबर आपके पास है आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, सिस फोम जो होती है वो क्या कहलाती है, नेचुरल रबल होती है, और ट्रांसपोजिशन उसकी कौन सी होती है, गट्टा पर्चा होती है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है, बेहद ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों एनसीईआरटी का, अपने को HBr और परोक्साइड दे रखा है दोस्तों, केवल HBr ही एल्कीन पर जब आप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करवाते हो तो केवल HBr ही क्या करता है दोस्तों, HBr ही केवल एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल परोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि इसके दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आपने HBr के साथ में रिएक्शन करवाओगे परोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि क्या दे रखा है, परोक्साइड आपको दे रखा है, कोई भी परोक्साइड आप ले सकते हैं, बेंजोइल परोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो
आपने जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मिलेगा आपको आर ओ रेडिकल मिलेगा। ये आर ओ रेडिकल किसके साथ रिएक्शन करेगा दोस्तों, एच और बी आर के साथ में रिएक्शन करेगा, इसके रेडिकल बनाएगा। अब ये इसके रेडिकल बना देगा तो क्या मिल जाएगा, आर ओ एच मिल गया और बी आर रेडिकल मिल गया। सबसे पहले इसमें कौन एडिशन करेगा दोस्तों, बी आर रेडिकल एडिशन करेगा अब इसके साथ में। जैसे ही आपने बी आर रेडिकल का एडिशन करवाया तो ये इसके रेडिकल बनाएगा और इसके रेडिकल बनाएगा, तो वो रेडिकल आप बनाना पसंद करोगे जो मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है कौन सा, सी एच सी एच थ्री और यहां पे क्या लगा दोगे, सी एच सी एच टू और बी आर। एक तो आपने यहां लगा दिया, ये रेडिकल बना दिया। अब देखो इसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, भला थ्री है। और जब आप ये वाला रेडिकल बना दोगे, यहां पे बी आर लगा दोगे, यानी कि आपने बी आर किधर एडिशन करवा दिया, किसी ने कहा ना ना मैं तो यूं एच बी आर का एडिशन करवाऊंगा जिसमें बी आर रेडिकल ऐसे चिपके, तो यहां पी एच लिख रहा हूं मैं, सी एच यहां पर क्या लिख दिया, सी एच थ्री। आपने क्या बना दिया दोस्तों, सी एच टू रेडिकल बना दिया और यहां पे क्या मिला है, बी आर। यहां पे वन डिग्री रेडिकल बनाया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, वन, और यहां पे आपने टू डिग्री रेडिकल बनाया है और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री हैं। तो टू डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन वन डिग्री रेडिकल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यस नो? जी हाँ, इसलिए पहले बी आर का एडिशन हुआ है, इसलिए आप बोलोगे कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग काम हुआ है। ठीक है, तो वन नंबर पे बी आर आएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तों, 84 नंबर सवाल, बिल्कुल प्यारा सा सवाल है दोस्तों, अल्कोहल फिनोल ईथर यानी कि अल्कोहल का है। ये क्या दे रखा है, थ्री फिनाइल वन प्रोपेनॉल दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या गया है दोस्तों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCl, HCl के साथ में कौन सी रिएक्शन शो करेगा दोस्तों। अल्कोहल आपको पता है, HCl HX के साथ में कौन सी रिएक्शन शो करता है, SN1 या फिर SN2। ठीक है, बीटा अनब्रांच वन डिग्री अल्कोहल है, बीटा अनब्रांच वन डिग्री अल्कोहल है तो वो HX के साथ में SN2 रिएक्शन देगा, अदरवाइज सारी की सारी रिएक्शन कौन सी होती हैं, अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन होती हैं। क्या कह रहा हूं दोस्तों, बीटा अनब्रांच, बीटा अनब्रांच का मतलब क्या हो गया, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। बीटा पे कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए और वन डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, वो क्या शो करेगा, HX के साथ में SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अदरवाइज सारी की सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN1 होगी दोस्तों। यहां पे अगर ब्रांच आ जाएगी तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी, फिर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो थ्री फिनाइल वन प्रोपेनॉल दे दिया, थ्री फिनाइल वन प्रोपेनॉल दे दिया, तो बना सकते हो दोस्तों यहां पर थ्री फिनाइल बनाइए, वन प्रोपेनॉल बनाइए, CH2 और यहां पर क्या जाएगा दोस्तों, OH, यही मिला थ्री फिनाइल। फिर क्या दे रखा है, वन फिनाइल वन प्रोपेनॉल दे रखा है, यहां पे क्या कर दोगे, CH CH2 और CH3 और यहां पे दोस्तों आपने OH लगा दिया। ठीक है, और थर्ड बनाओगे तो क्या बना दोगे दोस्तों, वन फिनाइल टू प्रोपेनॉल बना दोगे, यानी कि CH और यहां पे CH3 और OH, यही मिला। ठीक है, अब ये वन डिग्री है, ये वन क्या है, टू डिग्री है और ये भी टू डिग्री है, इसका मतलब किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे दोस्तों, SN1 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाइए, लुप्त उठाइए, तो अपन यहां पे क्या बना देंगे दोस्तों, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, क्या बना देंगे दोस्तों, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, क्या बना देंगे दोस्तों, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ठीक है, ये अपने पास कौन सा मिला है, वन डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिला है, ये अपने पास टू डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिला है, ये भी अपने पास टू डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिला है, ये आपके पास क्या था, ए, ये आपके पास क्या था दोस्तों, बी, और ये अपना क्या है, सी है। अब देख लो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो रेजोनेंस भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसमें दोस्तों रेजोनेंस नहीं है, ओनली अल्फा हाइड्रोजन है, तो रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी हुई दोस्तों, बी की, उसके बाद में ये वन डिग्री है, ये टू डिग्री है, उसके बाद में सी है और उसके बाद में ए है। कोई कह दे कि आप रीरेंजमेंट करवाइए उसके बाद में, नहीं दोस्त, पहले आप जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे, उसके बाद की कहानी है रीरेंजमेंट वाली। तो ठीक है, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद HX। ठीक है, तो कौन से की आ जाएगी, बी सी ए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, बी की, इसका मतलब जल्दी रिएक्टिव यही करेगा, बी सी ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बात करें तो अपने को सवाल कौन सा दे रखा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक और बेहतरीन सवाल दोस्तों। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, 12 कार्बन दे रखे हैं और 12 कार्बन को आप क्या बोलते हो, 12 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, 10 कार्बन के लिए डेक यूज किया जाता है और 12 कार्बन के लिए
डू डेक यूज करते हैं। अब डू डेक है और ये किसी के साथ अटैच होने के लिए बेताब है तो क्या यूज कर दोगे, डू डेक और लास्ट में वाई एल लगा दोगे, डूडेसिल बन गया, डूडेसिल। ठीक है, और इसका नेम क्या है दोस्तों, बेंजीन, तो लास्ट में आप क्या लगा दोगे, बेंजीन। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, डिटर्जेंट का सवाल है, देख सकते हैं आप। ठीक है, एनायनिक डिटर्जेंट है ये। अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी दोस्तों, H2SO4 के साथ करवा दी, और H2SO4 बेंजीन को देखकर क्या करेगा, सल्फोनेशन करेगा, क्या बना देगा दोस्तों, सल्फोनेशन। अब आपको पता है ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल देगा, इलेक्ट्रोफाइल देगा तो आप क्या बना दोगे दोस्तों, CH3CH2 और यहां पे 11 दे रखा है और बेंजीन के साथ में रिएक्शन करेगा, बताओ ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बनाएगा, और जिसमें से मेजर प्रोडक्ट आपको पता है कौन सा बनेगा भला, पेरा वाला बना ही दोगे आप। ठीक है, पेरा, पेरा वाला क्यों बना दिया दोस्तों, क्योंकि इसका बल्की ग्रुप है और बल्की ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कौन सा आपने मेजर प्रोडक्ट बनाया है, पेरा वाला बनाया है। ठीक है, अब ये सल्फोनेशन हो गया, सल्फोनेशन करने के बाद में इसका नेम क्या हो गया, देखो इसका नेम है डोडेसिल, इसका नेम क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका नेम बेंजीन है और इसके लिए क्या यूज करोगे, सल्फेट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डोडेसिल बेंजीन हाइड्रोजन सल्फेट इसका नेम हो गया, यानी कि डोडेसिल बेंजीन हाइड्रोजन सल्फेट इसका नेम हो गया। ठीक है, अब आगे इसकी एनिवेच के साथ में रिएक्शन करवा दो, एनिवेच एक्वस दे रखा है दोस्तों, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये एसिड है और ये बेस है, बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोस्तों, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अपने से क्या पूछा है दोस्तों, इंटरमीडिएट ए की बात हुई है तो इंटरमीडिएट ए आपका ये बनेगा, क्या नेम है इसका, डोडेसिल बेंजीन हाइड्रोजन सल्फेट, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये अपने एनसीईआरटी का ही है, एनायनिक डिटर्जेंट में दिया हुआ है, पहला लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट दे रखा है, पहला लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट दे रखा है, यानी कि ये वाला दे रखा है, लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट वाला मिलता है, लोराइल एल्कोल दे रखा है, याद करो, धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, अधिक जानकारी के लिए एनसीईआरटी देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको 15 सवाल मिलेंगे दोस्तों, जिसमें से आपको 10 सवाल करने हैं। ठीक है, चलो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बोन इन एंथ्रासीन, ये भी आपके एनसीईआरटी में है एंथ्रासीन। ठीक है, कैंसर जन्य में है, ये लोग कैंसर देते हैं। ठीक है, तो इनसे दूर रहना है, बच के रहना है, एंथ्रासीन दे रखा है दोस्तों। अब एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें तो बेंजीन एक और बना दो और एक और बना दो। ठीक है, यानी कि तीन आपस में अटैच हो बेंजीन, तो क्या बना दोगे दोस्तों, ये अपना दे रखा है एंथ्रासीन। अब इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे गए हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे भी H लगा सकते हो, H H खोल के लिख दो, यहाँ कुछ नहीं आएगा, चार वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे भी H आएगा, इधर भी H आएगा, उधर भी H आएगा, जिधर नहीं दिख रहा वहां पे भी H आएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब गिन लो दोस्तों कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो इसका मतलब 26 तो सिग्मा है आपके पास। ठीक है, और पाई बोन कितने हैं दोस्तों, पाई बोन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आपके पास क्या है दोस्तों, पाई बोन है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। 26 इसमें भी दिया हुआ है लेकिन इसमें 6 पाई दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा आंसर मिला, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे रखा है, 87 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 87 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच कंपाउंड शो वेरी स्लो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की दोस्तों अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके भला, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के। अब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जिसमें जितना ज्यादा बनेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे वेरी स्लो पूछ रहा है, स्लो कौन सा, ये तो अगर अपन बात करेंगे तो ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाया, बेंजाइलिक, मोर स्टेबल है आपको पता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं दोस्तों, तो अब इसके हालात ऐसे हैं कि ये कुछ कर नहीं सकता दोस्तों, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि अब कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, SN1 शो नहीं कर सकता, ये SN2 भी शो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस।
ठीक है, कॉन्जुगेशन में आने के कारण सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे तो है, ये सीएल नहीं जा पाएगा। तो ये SN1 और SN2 दोनों ही शो नहीं करता। अब आपको पता है ये 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा और 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन SN1 उछल कूद करता हुआ देता है। और इसकी अगर अपन बात करें तो आपको पता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा और इसको क्या मिल जाएगी, BV मिल जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा SN1 रिएक्शन नहीं देना चाहता, ये नहीं देना चाहता, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। आगे बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है, 88 नंबर सवाल क्या चाहता है दोस्तों अपने से, देखो बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, ठीक है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, कौन ऐसा कमीना है जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर आधारोपित नहीं होता। दर्पण प्रतिबिंब पर आधारोपित कौन नहीं होते, इनेंसियोमर नहीं होते, क्या नहीं होते दोस्तों, इनेंसियोमर। इनेंसियोमर आपके दे रखे हैं दोस्तों, कहां पे भला, हैलोजन डेरिवेटिव में आपको पता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में आपको दे रखा है स्पष्ट तौर पे, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो क्या दे रखा है, सुपर इम्पॉसिबल कौन नहीं होगा दोस्तों, जो इनेंसियोमर होगा। इनेंसियोमर अपन किसको बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल टू मिरर इमेज, ठीक है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो जिसके पास या तो POS COS एब्सेंट होनी चाहिए या फिर सिंगल कायरल कार्बन होना चाहिए, सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों। अब इसमें देखिए, ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर, आप इसको मजे से काट सकते हो, ठीक है, यानी कि देख सकते हो SDS एक ही प्लेन में है, ये तो GI शो कर सकती है लेकिन OI शो नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसको तो हटा सावन की घटा। अब इसको गौर से देखिए दोस्तों, इसमें आप कहोगे कि इसमें क्या है दोस्तों, टू कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि अब जो आपको बनाकर दे रखा है ना वो है मीजो कंपाउंड, ठीक है, मोर देन वन कायरल कार्बन बट है POS और COS, यानी कि एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो और POS या फिर दोनों में CS, COS या POS दोनों में से एक प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखोगे, POS देखोगे और POS देखो तो इसका मतलब आप बीच में से काट सकते हो, काट सकते हो तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली क्या है दोस्तों, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता दोस्तों, ये आपका आइसोमेरिज्म कौन सा शो नहीं कर सकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं कर सकता, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, अब इसकी मिरर इमेज बनाइए आप, जैसे ही आपने इसकी मिरर इमेज बनाई दोस्तों तो क्या आ जाएगा, OH इधर, यहां COOH, H यहां पे आपको OH दे रखा है, H दे रखा है और यहां पे भी COOH दे रखा है दोस्तों। अब इसको उठाइए बड़े ही प्यार से, अब इसके ऊपर ये नहीं रखना कि आपने मिरर इमेज बना दी, अरे दोस्त ये तो आप मिरर के ऊपर लेट गए हो, अपने आप को निखारने के लिए उसकी एक निश्चित डिस्टेंस होनी चाहिए ना, तभी अपने आप को देख पाओगे कि मैं ऐसा दिखता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, मिरर इमेज बनाने के लिए एक डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहां पे आपने क्या लगाया दोस्तों, ये बनाया है तो ये हाथ अपन मिरर में दिखाएंगे तो यहां आपने मिरर लगाया तो ये दिखेगा। अब इसको उठा के आप इसके ऊपर सेट करिए, क्या सुपर इम्पॉसिबल हुए, नहीं हुए, तो आप एक काम करिए इसको 180 पे रोटेट करके इसके ऊपर सुपर इम्पॉसिबल का प्रयास करिए, क्या एक दूसरे को ढका, नहीं ढका दोस्तों, इसका मतलब ये हाथ कैसा है, कायरल है, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब इसको प्यार से उठाकर इसके ऊपर सेट करिए, हुए क्या, COOH तो हो जाएंगे लेकिन OH ने मना कर दिया कि नहीं हमारी सेटिंग नहीं बैठ रही, तो इसका मतलब इसको बड़े ही प्यार से उठाइए, 180 पे रोटेट करिए, 180 पे रोटेट करोगे तो आपको पता है दोस्तों इसको उठाओगे तो COOH में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन OH इस साइड में आ जाएगा तो ये इसके ऊपर एक दूसरे को ढक लेगा और ढक लेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यही कहा है इसने कि नॉट सुपर इम्पॉसिबल, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये तो हो रहा है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो इसके पास देखें, ये दे दिया दोस्तों आपको लाइसिन है, ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड दे दिया, अमीनो एसिड में अगर अपन बात करें तो आपको क्या दे रखा है दोस्तों, अब इसकी बात करेंगे, इसके पास सिंगल कायरल कार्बन है और सिंगल कायरल कार्बन आपके पास क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिंगल कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या है दोस्तों, एलानीन है, आपको पता है ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं और ये क्या दे रखा है अपने को, एलानीन दे रखी है और एलानीन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ये इसका जब आप मिरर इमेज बनाओगे, जैसे ही आपने इसके सामने मिरर लगाया, मिरर लगाओगे तो दोस्तों क्या दिखेगा आपको, एच इस साइड में दिखेगा, COOH यहां पे NS2 दिखेगा और यहां CH3। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, सेट हुआ क्या, COOH ने कहा ठीक है हो जाएगा, CH3 ने कहा हो जाएगा, लेकिन H और NS2 ने मना कर दिया,
फिर आपने क्या किया 180 उठाया इसको बड़े ही प्यार से 180 पे रोटेट करके देखा तो NH2 के ऊपर NH2 आ गया, H के ऊपर H आ गया, लेकिन CWS तो नीचे चला गया। CH3 ने कहा ये बात नहीं बैठ रही दोस्तों, नहीं बैठ रही, इसका मतलब ये नॉट सुपर इम्पॉसिबल, ये अपना आंसर। ठीक है, अब ये कायरल है क्या? नहीं है रे, ये तो CH3 क्या हो गए दोस्तों, सेम हो गए, सेम हो गए, तो आप इसको काट सकते हो, इसमें मोलिकुलर सिमेट्री है दोस्तों। ठीक है, तो जिसमें कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, POS CWS प्रेजेंट है, इसका मतलब वो क्या नहीं हो सकता दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो इसका आंसर अपने को मिला थर्ड। नेक्स्ट सवाल अपने कौन सा दे रखा है दोस्तों, 89 नंबर सवाल। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है अपने को फिनोल का। देखो मोनोनाइट्रेशन करवाते हैं, और मोनोनाइट्रेशन आपको पता है किसकी प्रेजेंस में करवा दोगे आप, करवा दीजिए साहब डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। फिनोल आपको पता है OH मोर एक्टिवेट ग्रुप होता है, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब इसको कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से नाइट्रेशन करवाओगे तो वो मना कर देगा, क्यों? क्योंकि उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रिंग विंग टूट जाएगी और CO2 और वाटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट आपका CO2 और वाटर बनेगा। फिर फिनोल की अगर आप इसमें रिएक्शन करवाओगे कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 तो पिक्रिक एसिड का भी फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन वो आपकी NCERT कहती है कि बिल्कुल लो यील्ड मिलेगी। ठीक है, बेस्ट मेथड नहीं है, और बेस्ट मेथड करने के लिए आप अगर आपको क्या चाहिए पिक्रिक एसिड ही बनाना है तो पहले उसका डाइसल्फोनेशन करवाइए, फिनोल का डाइसल्फोनेशन करवाइए, फिर उसमें क्या डाल दिए नाइट्रेशन करवाइए, फिर आपका पिक्रिक एसिड क्या बनेगा, बेस्ट मेथड हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको मोनोनाइट्रेशन करवाना है, और नाइट्रेशन में क्या होगा दोस्तों, NO2 पॉजिटिव होगा। अब बताओ कौन डिसाइड करेगा OH कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, प्लस M, CH3 कौन सा इफेक्ट है दोस्तों, प्लस H किसकी चलेगी, मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये OH डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग चिपकेगा। ठीक है, तो ये क्या बना सकता है दोस्तों, ऑर्थो और पेरा वाला प्रोडक्ट बना सकता है, पेरा पे आपने पहले ही ब्लॉक कर रखी है, बच गई ऑर्थो, ऑर्थो पे लगा दो दोस्तों, ऑर्थो पे लगाओगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कौन सा मिल गया दोस्तों, ये वाला मिल गया। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बात करें तो आपको क्या दे रखा है 90 नंबर सवाल। ठीक है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोविंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इज गुड यील्ड बाय ग्रेबरिल थैलेमाइड सिंथेसिस, एन कंटेनिंग कंपाउंड का बेहतरीन सा सवाल है, एन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि ग्रेबरिल थैलेमाइड सिंथेसिस से आप ओनली एलिफेटिक 1° amine का प्रिपरेशन कर सकते हो और किसी का नहीं कर सकते, क्योंकि बल्कि बेस होता है, बल्कि बेस होता है तो वो क्या कर देगा, एलिमिनेशन करने के चांसेस रह जाते हैं। एरोमेटिक एमाइन का फॉर्मेशन वैसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एमाइन का फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, क्लोरो बेंजीन यानी कि हैलोजन लेना पड़ेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं तो इसको नहीं हटा पाएगा। ठीक है, नहीं हटा पाएगा तो आप किसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते, एरोमेटिक एमाइन का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, ओनली ऑन 1° एलिफेटिक एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसकी रिएक्शन की अगर बात करें तो आपको पता है थैलेमाइड, थैली में ही मिला एमाइड, ये क्या दे रखा है दोस्तों, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपके पास था, थैलेमाइड है, पहले आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दी, KOH के साथ में रिएक्शन करवा दी, एसिड बेस रिएक्शन हुई, ठीक है, सोल्ट मिला, ठीक है, ये आपके पास क्या मिल गया दोस्तों, बेस मिल गया यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा दोस्तों, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, और वो भी क्या होनी चाहिए दोस्तों, 1° एल्काइल हैलाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्राउडिंग ज्यादा होगी तो ये मोटी भैंस है उसका एलिमिनेशन कर देगी। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, R आ जाएगा, फिर इसका एसिडिक और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा देना, यहां पे क्या आ जाएगा, R डबल बॉन्ड O तोड़ दो दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस करवा देना। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो RNS2 बन जाएगा, RNS2 यानी कि ये 2° है, नहीं बनाई जा सकती, एमाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, एरोमेटिक नहीं बनाया जा सकता, ये आपकी एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है दोस्तों, एलिफेटिक का मतलब बेंजीन है, बेंजीन से हटकर है दोस्तों एक्स, यहां ये वाला एल्काइल हैलाइड आपने यूज किया है तो ये पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये इसके ऊपर टक्कर जाएगा और हैलोजन भाग जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, बस कौन सा हुआ है, गुड यील्ड कौन सी मिलेगी, फोर्थ की मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी कड़ी में बात करें तो दोस्तों कौन सा है, यही कहानी थी दोस्तों, ये था अपना ऑर्गेनिक का पेपर सॉल्यूशन। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें दोस्तों, अपने आप को निखारिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, चलो ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय CLC। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम CLC, टीम केमिस्ट्री। अपने मेजर का इनऑर्गेनिक पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा, तो देखते हैं आइए।
वाटर गैस इज एक नॉर्मल फॉर्मूला है, वाटर गैस आपको यहाँ पे पूछ गई है, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर गैस का फॉर्मूला आपका हो गया CO H2, ये वाला हो गया आपका सेमी वाटर गैस का, ये आपका प्रोड्यूसर गैस का, तो आपका आंसर कौन चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव्स N2 ऑन हीटिंग, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन किसकी बात करें, पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, अगर आप इसको हीट करोगे तो आपको बताएं लिथियम को छोड़ के फर्स्ट ए के जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो डिसोसिएट होकर नाइट्राइट बनाते हैं, तो ये आपका क्या बनाएगा? नाइट्राइट, और साथ में क्या निकल जाएगी आपकी? O2। हाँ, स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये आगे जाके N2 दे देता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली हीटिंग की बात हुई है, स्ट्रांगली हीटेड वर्ड यहाँ काम में लिया नहीं है, तो आपका ये फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा जिसके अंदर आपके N2 नहीं बनेगी। बाकी इसके अंदर आपको पता है अमोनियम, तो अमोनियम सॉल्ट में हीट करें, अगर A9 खुद, याद रखना अमोनियम सॉल्ट को हीट कर रहे हैं अपन, और अमोनियम सॉल्ट में जो A9 है वो A9 में खुद नाइट्रोजन प्रेजेंट है अगर सेंट्रल एटम, तो प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जैसे ये -3 में है, ये +3 में, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई, और 0 किसकी होती है? N2 की, तो N2 बनेगा और 2H2 बन जाएगा, डन। ये रहा, अब जब भी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं, अब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन नहीं है, इसके अलावा A9 है, अगर A9 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको बताया डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट हीट करते हैं तो अमोनिया बनती है, लेकिन ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको आगे ऑक्सीडाइज कर देगा और N2 बना देगा, बाकी आप जानते हो H2O बन जाएगा और आपका C2H2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, तो इसमें भी नाइट्रोजन बन रही है। यहाँ पे मैं बात करूँ सोडियम एजाइड, एजाइड को हीट करने पर N2 बनेगी, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन यहाँ से मिलती है अपने को, क्लियर, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, तो यहाँ पे देखो ये वीक फिल लिगेंड है H2O, NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कह रहा है इट इज ए लिगेंड सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को रिप्लेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड वीक फिल लिगेंड को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आप यहाँ से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? नॉट ट्रू, आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया, NH3 इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड, बिल्कुल NH3 H2O से स्ट्रॉन्ग है तभी इसको रिप्लेस कर पाया है, ये बात भी सही है। ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज ए चेंज इन कलर, बिल्कुल याद रखना कलर चेंज हो जाता है, लाइट ब्लू से डार्क हो जाएगा, कलर हमेशा याद रखो, जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो कलर की डार्कनेस बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरा कलर होता है वो CFSC पे तो डिपेंड करता है, इसके अलावा लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, इन सब पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड कितने हैं, क्लियर, तो कलर बिल्कुल चेंज होगा यहाँ पे। यहाँ पे बात करिए स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है कॉपर आपका यहाँ पे +2 में है, तो इसका कॉन्फिगरेशन 3D9 है, तो ये क्या करता है अपना जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर देता है 4P में, तो अंदर से D1 खाली हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा DSP2, जबकि ये यहाँ क्या बोल रहा है, टेट्राहेड्रल, हाँ पैरामैग्नेटिक तो इसमें भी रहेगा, अनपेड इसमें चला गया, लेकिन आपका ये फॉल्स हो गया, क्लियर। वीक फिल लिगेंड होता तो ये इसको ट्रांसफर कर नहीं पाता, तो डी वेकेंट मिलता नहीं, तो SP3 टेट्राहेड्रल हो जाता, लेकिन हाँ ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये आपका DSP2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर अबाउट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का देखना है, तो याद रखें फर्स्ट ए में, फर्स्ट ए में ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गए, फ्लोराइड हो गए, कार्बोनेट हो गए या फिर बाइकार्बोनेट हो गए, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और अब कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल हो गया, तो ये तो सबसे लास्ट में आना है, तो इन दोनों में से एक होगा। अब देखो इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो देखो सोडियम से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, पोटेशियम,
डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ना, तो सोडियम के बाद में आता है पोटेशियम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से ज़्यादा सोल्यूबल है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये तो इनसोल्यूबल हो गया, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कैन नॉट बी यूज टू जनरेट H2। याद रखना एम्फोटेरिक मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करती है, एज वेल एज बेस, ठीक इसी प्रकार वो बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे, कौन, एम्फोटेरिक मेटल्स, तो ये आपकी एम्फोटेरिक मेटल्स है, तो बेस के साथ रिएक्शन कर लेगी, तो आपको पता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा और आपकी यहाँ से H2 निकल जाएगी, यहाँ से सोडियम जिंकेट मिल जाएगा, ये भी एम्फोटेरिक है, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 और H2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, लेकिन आपको देखना है कैन नॉट बी यूज टू जनरेट H2, H2 नहीं बननी चाहिए, जैसे यहाँ बात करें ये बेस है, ये भी बेस है, क्योंकि ये एल्कलाई अर्थ मेटल है, बेसिक नेचर का होता है, ये एसिड से रिएक्शन कर सकता है सिर्फ, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड जितने भी होते हैं एक ड्राइंग एजेंट होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये मोसर समझ लो आप, वाटर के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और H2 गैस यहाँ से लिबरेट करेंगे, क्लियर, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, सिलिकन इज रिफाइंड बाई, याद रखें जितने भी सेमीकंडक्टर्स वाले होते हैं जोन रिफाइनिंग से मिलते हैं अल्ट्रा प्योर फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज में तो वो आ गए आपके निकल वगैरह, टाइटेनियम जर्कोनियम वगैरह, ठीक है, लिक्विफेक्शन में आपकी वो आ गई जिनका आपका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो जैसे आपके ये आ गई टिन आ गई, लेड आ गई, क्लियर, एंटीमनी आ गया, बिस्मिथ आ गया, और वन ऑर्केल ये टाइटेनियम के लिए होता है, जर्कोनियम हाफनियम उनके लिए होता है, यूरेनियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, याद रखें स्कैंडियम, जैसे स्कैंडियम है ये +3 देता है हमेशा ही, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेगा, तो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगी इसकी, तो ये हमेशा +3 देता है, तो ये ऑक्साइड बनाता है S2O3, मतलब ये M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा, तो ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ टाइप ऑक्साइड, बाकी +2 तो सभी से होकर हैं, तो एमओ टाइप के ऑक्साइड बना सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द बॉन्ड एंगल्स आर नॉट क्लोज टू 90 डिग्री, यहां पे आओ PH3 ड्रैगो रूल लगा दो, मतलब अगर सेंट्रल एटम 3rd या हायर पीरियड का है और साइड आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और लेस देन है, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर प्योर वाइटल, तो जो बॉन्ड बनेगा वो प्योर प्योर वाइटल बनेगा, और प्योर प्योर वाइटल बॉन्ड बनाने का मतलब बॉन्ड एंगल नियर बाय 90 रहेगा, तो इसमें 90 मिलेगा नियर बाय, इसमें आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो आपको पता है इसमें 8 बॉन्ड एंगल तो कैसे होते हैं 90 के होते हैं, कैसे, आप यूँ समझते कि ये सल्फर आ गया, ये वाले इसके साथ ये है ना प्लेन के ऊपर होता है यूँ, तो ये इन चारों के साथ, ये एक्जेल बॉन्ड चारों इक्वेटोरियल के साथ 90 पे, और नीचे वाला एक्जेल भी ऐसे, तो ये यहाँ पे आ गए H2S, वही ड्रैगो रूल लगा दो, हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, तो बॉन्ड फॉर्म बाई प्योर प्योर मेटल, ये 3rd का है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें बॉन्ड एंगल नियर बाई 109 के रहेगा, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा 4th, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है नॉट क्लोज टू 90 डिग्री, क्लियर। क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, बस सिली एरर हो सकते हैं, बाकी पेपर बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, I3- sp3 है, dihybridization है, तो आपको पता है ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये एक दूसरे को बैलेंस कर दिए 120 में, ये I- और ये आपका I,
तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस रहेगा दोनों में, कोई लफड़ा नहीं है, एक्सियल है तो ये एक ही प्लेन में हो गया, लोन पेयर को काउंट करेंगे नहीं तो आपका कौन सा आ जाएगा ये। खैर ये हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है तो एक ही प्लेन में होने का तो सवाल ही नहीं होता। हाफ ओपन का मतलब दो प्लेन तो अपने आप ही हो गए, कैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। याद रखें अगर दो सेंट्रल एटम हैं, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों के पास दो दो लोन पेयर हैं, दोनों के पास दो दो सिग्मा है, तो वो हमेशा हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रखेंगे, लाइक O2F2, O2Cl2, S2F2, S2Cl2, Se2Br2, समझ गए होंगे आप। खैर नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होने का मतलब इसमें 3D8 4S0 कॉन्फिगरेशन होगा, 4S2 जीरो है ना, ऑक्सीडेशन दो, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा तो 3D10 हो जाएगा, 3D10 हो गया तो D तो अंदर वेकेंट है ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 जाएगा, sp3 जाती टेट्राहेड्रल हो गया तो एक ही प्लेन में नहीं हो सकते। और यहाँ पे बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल शेप आ गया तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता प्लेनर, तो कौन सा रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करें अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आयन इज, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी लिगेंड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, जिसमें लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो आपका कौन सा आंसर चला जाएगा यार थर्ड, क्योंकि लिगेंड स्ट्रेंथ के अनुसार देखें तो Cl से स्ट्रांग OH, OH से स्ट्रांग H2O और इससे स्ट्रांग साइनाइड, तो सबसे स्ट्रांग आयन तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला, जिसमें फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। नेक्स्ट हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला, ये आपका प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स दिया है, एज्यूमिंग कंपाउंड है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर विद DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन इसको यूं बना के देख लो आप, ये मेटल हो गई, मोनोडेंटेड लिगेंड है दो, दूसरे भी मोनोडेंटेड है, तो आपको बताइए कितने GI देता है, दो GI देता है, एक तो सिस और एक है ट्रांस, कैसे आप यू समझ लो, मेटल ए ए और ये बी बी, ये तो सिस आइसोमर हो गया और ये इसका ट्रांस आइसोमर हो जाएगा, ए ए बी बी, रिलेटिव पोजीशन बदल दी। अब वही बात है, यहां प्लेटिनम +2 रख देंगे, यहां अमोनिया, यहां अमोनिया, यहाँ क्लोराइड और यहाँ क्लोराइड, इसको यूज किया जाता है, सिस प्लेटिन हो गया ना ये, इसको सिस प्लेटिन बोल सकते हैं सिस आइसोमर को, तो ये आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, कब, जब यहाँ प्लेटिनम, समझ जाना ये सेम ऐसा ही चलेगा, ये प्लेटिनम +2 आ गया यार, ये सिस वाला, ये क्लोराइड आ गए, ये NH3 आ गए, समझ रहे हैं ना बात को, ये NH3, ये NH3, ये सिस प्लेटिन, सिस आइसोमर सेम ऐसे ही तो बनाए। खैर ये दो GI देगा, याद रखना सिस प्लेटिन को कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड स्टेट ऑफ जीनोन, तो वही स्टेरिक नंबर निकाल लें इसका, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 8 और 2 10, 10 में 2 का डिवाइड करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोन साइड एटम कितने हैं मोनोवेलेंट वो जोड़ते हैं, 2 का डिवाइड कर दो स्टेरिक नंबर आ जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और 2, 10, 10 में 2 का डिवाइड किया तो 5 5, स्टेरिक नंबर का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो sp3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आ गया तो sp3d3, तो यहाँ पे देखो 8 4 12, 2 का दिया तो 6 आ गया तो sp3d2 और 8 6 आपके कितने आ गए 14, 2 का डिवाइड किया 7, तो ये आपका सेकंड आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका फिजिकल आ गया, ऑर्गेनिक
ये अपना यहाँ से फिर से चालू हो गया पार्ट बी, ठीक है। तो इसका सेक्शन भी देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग चेंजेस। ये कह रहा है सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ एम, मतलब कि मेटल है या सॉलिड है, इसको अगर सब्लिमेशन मतलब गैस में लेके जाओगे, इस दौरान आपकी एनर्जी आएगी कितनी पी। फिर कह रहा है सब्लिमेशन ई प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम, मतलब कि ये सॉलिड है और सॉलिड से आप इसको सीधा एम गैस प्लस टू में लेके जा रहे हो, तो इस दौरान जो एनर्जी दी जा रही है वो है क्यू। तीसरा कह रहा है मेटल है, गैस सीधी आयनाइजेशन एनर्जी दी है, तो एम प्लस गैस में जाएगा और यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी आपकी दे रखी है आर, डन। फिर ये कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड, मेटल प्लस है ये इससे जाएगा एम प्लस टू में गैस, तो ये आपकी क्या आ गई एस, ठीक है। और एक कह रखा है मेटल है गैस में है, सिर्फ मेटल है हाँ, तो अपन बात कर रहे थे ये मेटल है गैस में है और ये सीधा चला गया एम टू प्लस गैस में और इस बार एनर्जी दे दी टी। अब आपको कह रहा है प्लस से प्लस टू में जाएगा, बस ये आपको देखना है, क्लियर। तो यहां पे देखो फर्स्ट चेंजेस थे ये सही है, सेकंड वाला ये है, अब आपका प्लस से प्लस टू में जा रहा है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन निकला, कुड बी कैलकुलेट द एनर्जी, ये एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे अपने को कह रहा है एम प्लस से एम प्लस टू में जाएगा, वो एनर्जी आपको यहां पे काउंट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये रहा, इसमें दो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है और ये एक आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इसमें तो आई ई वन प्लस आई ई टू है और ये आपके पास आई ई वन है, तो क्यों ना इसको इसमें से माइनस कर दें, तो आ जाएगी आई ई टू ही तो बच जाएगी, तो आपका क्या आ गया टी माइनस ए आर, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विच सिस्टमेटिक डायग्राम इज करेक्ट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ चेंजेस ऑफ मेटल्स। तो आप देखो कॉपर ए जी और ए यू के लिए दिए गए, तो आपको पता होना चाहिए 3D से ज़्यादा सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है 4D की, 4D से ज़्यादा 3D की, सबसे ज़्यादा 5D की, कौन से में आपके 11th ग्रुप में, याद रखो थर्ड ग्रुप की बात करें तो 3D से कम रहेगी 4D की और 4D से कम रहेगी 5D की, लेकिन फोर्थ फिफ्थ सिक्स और टेंथ ग्रुप में बात करें तो हमेशा याद रखना 3D से ज़्यादा 4D की, 4D से ज़्यादा 5D की, लेकिन जब बात 7, 8, 9, 11 और 12 ग्रुप की बात करें तो सबसे कम 4D की, इससे ज़्यादा 3D की, सबसे ज़्यादा रहेगी 5D की। तो याद रखो जैसे ये आपका यहाँ कौन है कॉपर, तो कॉपर आ गया, कॉपर से अगर अपन जाए 4D Ag की तरफ तो ये डिक्रीज होगी, और अगर अपन किधर जाएं कॉपर से गोल्ड की तरफ तो ये इंक्रीज होगी, क्लियर। तो यहाँ जाओ कॉपर से Ag की तरफ डिक्रीज, तो कॉपर से Ag की तरफ डिक्रीज हो रही है, सही बात है। Ag से Au की तरफ इंक्रीज, Ag से Au की तरफ, अच्छा Ag से Au की तरफ डिक्रीज दिखा रखे, लेकिन आपको तो देखो ये आपका रहा Ag और ये रहा Au, यहाँ तक तो इंक्रीज होनी चाहिए थी ना कि डिक्रीज, तो ये तो गया कॉपर से Ag डिक्रीज, सही बात है, और Ag से Au डिक्रीज, अच्छा यहीं पढ़ गए अपन, ये देखो कॉपर से आपका ये इंक्रीज, यही गलत हो गया क्योंकि कॉपर से Ag की तरफ तो डिक्रीज होगी, फिर आए कॉपर से Ag की तरफ डिक्रीज, ये सही बात है। Ag से Au रिमेन सेम, नहीं रिमेन सेम नहीं, Ag से Au जाने पर तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये रहा Ag और ये रहा Au, ये भी गया। नेक्स्ट कॉपर से Ag की तरफ डिक्रीज, सही बात है,
ए जी से ए यू, तो ए जी से ए यू यहाँ जा रहे हैं ना, तो इंक्रीज ही हो रही है। फिर ए यू से कॉपर वापस यहाँ, तो देखो यहाँ से यहाँ डिक्रीज होते हुए तो आ रहा है, तो ये डिक्रीज, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। When powdered beryllium is heated with air, beryllium है, powdered है, air में heat करोगे, तो S block में अपन ने पढ़ा है ये चीज़, Xn2 air, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, और सेकेंड ए वाले दोनों के साथ ही रिएक्शन करेंगे, तो एक तो beryllium ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में बन जाएगा beryllium नाइट्राइड, डन। तो दो प्रोडक्ट तो आ गए। फिर कह रहा है बी, कंपाउंड ए गिव्स सी आफ्टर रिड्यूसिंग क्लोराइड, जो कंपाउंड आपका कौन सा है, ए, बिल्कुल ए की आप करवा दो HClC या किसी से क्लोरीनेटिंग, तो ये BeCl2 बन जाएगा, डन। तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये दे रहा है सी। सी प्रोड्यूस व्हाइट फ्यूम्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये आपका कोवेलेंट है, H2 आएगा तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और HCl की फ्यूमिंग दे देगा, तो ये आपका आ गया डी। तो ए बी सी डी आइडेंटिफाई करना था, ए बी सी डी आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। चूज करेक्ट ऑप्शन, कंसिडर एमओटी, एमओटी को कंसिडर करते हुए सही ऑप्शन चूज करने हैं अपने को, तो आ जाइए। ये कह रहा है सी टू मॉलिक्यूल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता किसी फेज में, तो सबसे पहले तो यही देखे, सी टू आपका एग्जिस्ट करता है पहली बात तो, क्यों, इसका बॉन्ड ऑर्डर दो होता है, आप निकाल के देख लो, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा वन एस स्टार टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा टू एस स्टार टू, सिग्मा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई टू, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एट बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, बॉन्ड ऑर्डर टू आ गया, दोनों ही पाई बॉन्ड हो गए, ये एग्जिस्ट करेगा, हाँ डायमैग्नेटिक है बट एग्जिस्ट करेगा ये, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये कह रहा है इफ 2s 2p मिक्सिंग नॉट कंसिडर, ये देखना याद रखना भाई, नॉट कंसिडर, इनमें sp मिक्सिंग होती है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर sp मिक्सिंग को नहीं माने तो क्या डायमैग्नेटिक होगा, तो देख लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बात कर रहा हूं b की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, और अगर sp मिक्सिंग को नहीं मानते हैं तो सिग्मा 2pz भी पहले आएगा, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, बात आ गई समझ में, तो यहाँ पर sp मिक्सिंग अगर नहीं माने तो बिल्कुल डायमैग्नेटिक होगा, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, If इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी इन द एक्स डायरेक्शन, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्स को मान रहा है, इट कैन बी सीन दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ टू एटम डू नॉट प्रोड्यूस टू सिग्मा मोलिक्यूल ऑर्बिटल से डिस्टिंग्विश्ड एज टू पी एक्स एंड टू स्टार टू पी एक्स, ये कह रहा है कि यदि अंतरनाभिक एक्स किसको ले लिया जाए, एक्स एक्सिस को ले लिया जाए, तो देखा गया है कि दो 2px कक्षक रे के संयोजन से दो सिग्मा आणविक कक्षक सिग्मा 2px तथा सिग्मा 2py का निर्माण नहीं होता, तो याद रखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर x को ले लिया, तो देखो ये x एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर, तो ये px हो गया 2px, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x पे आ गया, ये भी 2px है, अब सपोज करो इसमें प्लस माइनस सेम सेम का कॉम्बिनेशन हो गया, तो यहाँ से सिग्मा 2px बन जाएगा, और अगर माइनस का प्लस से हो गया तो सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, जबकि ये कह रहा है फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि फॉर्मेशन तो हो रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर MOT सक्सेसफुली एक्सप्लेन दी पैरामैग्नेटिक नेचर, बिल्कुल MOT के अनुसार ऑक्सीजन के पास पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल MOT इसको एक्सप्लेन करती है, तो बी और डी, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीरियम इज, सीरियम प्लस फोर इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल
ये इसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेज प्लस थ्री होती है, एक्वस मीडियम में ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? इसका SRP बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये अपने आप आगे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका ये रहा हाई रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन ही जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल, ये दोनों आयनिक होते हैं, याद रखना। एक तो टिन और लेड, इन दोनों के ही फ्लोराइड आपके कैसे होते हैं, टेट्राफ्लोराइड आयनिक होते हैं। क्लियर? इसी वजह से ये आपका SnF6-2 नहीं बनाता है वेकेंट और वाइटल होते हुए भी, तो ये तो एग्जिस्ट कर गए, सही बात है, आयनिक हो गए नेचर में, ठीक है। फिर PbI2 बिल्कुल ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये प्लस फोर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो PbI4 आपका PbI2 और I2 में टूट जाएगा, डन, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बात भी सही है। CCl4 इज नॉट, बिल्कुल इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, जबकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, पार्शियल पॉजिटिव के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यहाँ पर है तो ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, अच्छे खासे कोवेलेंट करेक्टर है। यहाँ पे बात करें SiF, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, जबकि ये कह रहा है नॉट एग्जिस्ट, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, एग्जिस्ट कर जाएगा, वैकेंट 3D बड़ा है ना। हाँ, अगर ये बात करते SiCl6-2 तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्लोराइड की साइज लार्ज है, डी के साथ स्ट्रांगली इंट्रैक्ट हो नहीं पाता है, तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। खैर, इनको नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है जबकि ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ये था आपका पेपर, आई होप सबका अच्छा हुआ होगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंट पेपर यहाँ पे रखा गया है, तो ऐसे ही और पेपर के लिए साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, जय CLC। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आपके DCM का जो मेजर हुआ है उसके फिजिकल वाले पोर्शन का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। पूरा पेपर NCERT से था, आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 63 से। तो देखिएगा, 63 आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आपको ये बोल रहा है कि the pKa ऑफ डाई मिथाइल एमाइन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड आर दिस एंड दिस। आपको एक तो pKb की वैल्यू आपको गिवन है, तो pKb ठीक, ये आपको दिया है 3.27, और दूसरा आपको दिया है pKa, ये आपको वैल्यू दी है कितनी, 4.77, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर pH ऑफ डाई मिथाइल अमोनियम एसिटेट, ध्यान से देखिएगा, डाई मिथाइल अमोनियम एसिटेट, ये हमारे पास एक वीक बेस है, ये हमारे पास एक वीक एसिड है, तो ये एक सॉल्ट हो गया वीक एसिड वीक बेस का, और वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट की जो pH निकालने का तरीका होता है, pH हमारे पास होती है क्या, ये होती है भैया 7.5, यहाँ आता है pKa-pKb, ये हमारे पास जो है वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट की pH निकालने का तरीका होता है। तो भैया यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ, आपको पता होना चाहिए कि वीक एसिड वीक बेस की जो सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसकी pH कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये आ जाएगा 4.77-3.27। तो आप देखिएगा कि pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली आएगा 7.75 करके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है, अगेन क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का है। आपको ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2, निकिल हाइड्रोक्साइड आपको दिया है इन 0.1 मोलर NaOH, गिवन दैट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NiOH2 इज दिस। आपको इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, विलयता गुणनफल दिया है, और 0.1 मोलर NaOH की उपस्थिति में NiOH2 की विलयता पूछिए। भैया इस क्वेश्चन में या इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं इनमें मुझे पता है अक्सर जो है वो आपको दिक्कत आती है, अक्सर आपको डाउट होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको इसको कंसेप्चुअली आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा कि भैया निकिल हाइड्रोक्साइड है अपने पास, आप सोचो कि निकिल हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तो हमारे पास बनेगा एक तो Ni+2 और साथ में 2OH- ऐसी कंडीशन आएगी।
मैं कहता हूं कि इनिशियली मान लो ये सी था, ये जीरो रहेगा, ये जीरो, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो एस है तो ये एस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, टू एस हो जाएगा। अब इसका जो के एस पी होता है, के एस पी, के एस पी का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, के एस पी का एक्सप्रेशन होगा भैया एन आई प्लस टू की कंसेंट्रेशन, ठीक है ये ठीक। तो के एस पी में लिखूंगा तो यहां पर तो आ जाएगा हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ एन आई प्लस टू, और फिर यहां पर आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, और इसका क्या लिखूंगा, स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि भैया के एस पी जो है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप इनकी कंसेंट्रेशन को चेंज करोगे या अगर एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन के एस पी जो है वो किसी भी सॉल्ट का केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आप इसमें चाहे एन यू एच मिलाओ, चाहे इसमें एस सी एल मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, के एस पी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो के एस पी जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब सेकंड केस में आपने इसमें क्या मिला दिया, एन ए ओ एच मिला दिया। तो भैया एन ए ओ एच जो है वो जब टूटेगा, ये तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एन ए प्लस और ओ एच माइनस, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पॉइंट वन आपको दे दिया, ये इनिशियली जीरो होगा, ये जीरो होगा, फिर क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरा आयनाइज हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये पॉइंट वन होगा और ये भी कितना हो जाएगा, पॉइंट वन हो जाएगा। और आप देखो कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक के मिक्सचर में ज्यादातर जो भी अपने पास ओ एच माइनस आयन होंगे वो कहां से मिलेंगे, आपको एन ए ओ एच से मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट से मिलेंगे। क्यों, क्योंकि भैया जैसे ही इधर ओ एच माइनस आएगा इक्विलिब्रियम पीछे चला जाएगा, याद करो ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो एक तो ऑलरेडी ये वीक था और फिर ओ एच माइनस आया तो ओ एच माइनस से और वीक हो गया, यानी यहां से मिलने वाले ओ एच माइनस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो मान लो इसकी प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी जो है वो अपने पास कितनी है, एस है, तो अब सॉल्यूशन में देखो हमारे पास एन आई प्लस टू की सांद्रता तो कितनी होगी, एस, और टोटल ओ एच माइनस कितने हो गए, ये हो गए भैया टू एस प्लस 0.1, है ना, ये प्लस ये टोटल OH माइनस हो गए। मैंने कहा आप कुछ भी कर लो, KSP चेंज नहीं होगा, तो KSP तो रहेगा कितना, 2 into 10 to the power minus 15 is equal to Ni plus 2 की concentration तो है कितनी, S, और फिर OH की concentration हो गई भैया 2S plus 0.1, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। भैया ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो एक तरीके से सॉल्युबिलिटी होती है वो एक से बहुत कम होती है, और एक से कम चीज का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। और दूसरी चीज, ज्यादातर ओ एच आएंगे कहां से, यहां से आएंगे, स्ट्रॉन्ग से आएंगे, तो ये वाले जो हो इसके कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल, यानी इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मुझे तो एस निकालना था, तो एस इक्वल टू आ जाएगा भैया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 और डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ये लो जी, ये हमारे पास NaOH की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी आ गई। तो सॉल्युबिलिटी वाले ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दे तो आपको सेम यही काम करना है, ऑप्शन जाएगा कौन सा, फोर्थ। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे भी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, इसी कंसेप्ट को देखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भैया देखो जरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन आपको दे रखी है और इसके लिए आपको एंट्रोपी चेंज पूछा है, जबकि आपको यह बोल रखा है कि एट टेम्परेचर 300 स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन O2 एंड H2O लिक्विड आर दिस दिस एंड दिस, ठीक है, सबके लिए एंट्रोपी चेंज दिया है, और आपको जो वो ओवरऑल इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज पूछा गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिएगा जरा कि डेल्टा आर एस, ये हमें पता है कि टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ये हम काम करते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड तो कौन है, 2H2 है, H2O के देखना जरा, एक मोल के लिए अपने पास जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है कितना, 68, तो दो मोल के लिए कितना आ जाएगा, ये लो जी दो मोल के लिए हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद में माइनस करना है मुझे, रिएक्टेंट का माइनस करना है, तो ऑक्सीजन के एक मोल के लिए एंट्रोपी चेंज है कितना, ये हमारे पास आ जाएगा भैया 201.20, ऑक्सीजन के एक मोल के लिए एंट्रोपी चेंज जो है वो हमारे पास है इतना 201.20, ठीक है। फिर माइनस मतलब टोटल तो वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी ना, तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए जो है वो अपने पास कितना दे रखा है, 126, तो ट्वाइस ऑफ 126.6। आप देख लो ओवरऑल जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाली ज्यादा आएगी, और नेगेटिव वाला एक ही आंसर अपने पास कौन सा, फर्स्ट वाला,
और आप चाहो तो इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओवरऑल जो है वो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी आपने ध्यान से पढ़ी है, कंसेप्ट आपने ध्यान से पढ़े हैं, तो इस पेपर में मैं उम्मीद करता हूं आपको फिजिकल वाले पोर्शन में आपने पूरे सही किए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करने से आप रहोगे नहीं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट अच्छे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 66, देखिएगा जरा कि फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगेन थर्मो का ही क्वेश्चन है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा एच इज इक्वल टू दिस, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट। भैया आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए या पता होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक रिलेशन आता है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए भैया हमारे पास होना चाहिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, और डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, जीरो से कम आएगी। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या है हमारे पास, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन जीरो, ऐसा ही बोलूंगा। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखना जरा, डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस। तो यहां से टेम्परेचर के लिए मैं बोलूंगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, दिस शुड बी लेस देन टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू देखो आपको कितनी दी है, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो भैया मेरे पास है कितनी, 35.5 किलो, किलो का मतलब हो गया 1000, और नीचे जो हो कितना आ जाएगा 83.6 आ जाएगा, और ये जो हो लेस देन क्या होना चाहिए टी। इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 424 के आसपास आएगा, तो 424 केल्विन से टेम्परेचर 424 पॉइंट समथिंग होगा, तो 425 मानता हूं, तो 425 से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर 425 से ज्यादा आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, अदरवाइज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ठीक है ना, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। आप ये बोल सकते हो कि सर इस पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, बिल्कुल थी कैलकुलेशन थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा गुणा भाग आपको करना है तो भैया डॉक्टर बनने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, और ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करे तो भैया अभी कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है, अभी नीट के तकरीबन आपके पास 50 से 55 दिन बचे हैं, तो भैया आप जो है वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा आपको क्या कह रहा है कि इन एफसीसी लैटिस, ठीक है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, एफसीसी लैटिस एबीसीडी एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स फेस सेंटर्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखो जी ए कहां है, एक है कॉर्नर पर, ठीक है, एफसीसी जालक में एबीसीडी परमाणु क्रमशः कोनों फलक केंद्रों अष्टफल की रिक्तिकाओं और चतुष्फल की रिक्तिकाओं में है। ठीक, फिर आपको ये पूछा आगे, देन द बॉडी डायगोनल कंटेंस लेटिस पॉइंट एज, तो बॉडी डायगोनल पर कितने लेटिस पॉइंट होंगे, तो ए तो कॉर्नर पर है, बी हमारे पास कहां पर है, फेस सेंटर पर है, सी कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड पर है, और डी कहां पर है, ये है जी टेट्राहेड्रल वर्ल्ड पर। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि देखो एफसीसी अरेंजमेंट जो होता है हमारे पास, एफसीसी अरेंजमेंट में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट आपने बहुत जी जान लगा के पढ़ा होगा। तो पार्टिकल्स होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पर होते ही होते हैं, तो कॉर्नर वाला पार्टिकल तो कौन सा वाला है अपना, ए वाला पार्टिकल कॉर्नर वाला है। ठीक, फिर इसके बाद में पार्टिकल होते हैं यहाँ पर फेस सेंटर पर, तो फेस सेंटर वाला जो है पार्टिकल वो कौन सा होगा, फेस सेंटर वाला पार्टिकल होगा बी। अब देखो आपको तो इसकी बात कर रहा है, ये जो बॉडी डायगोनल वाला है आपको तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो अगर मैं बॉडी डायगोनल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल पर दो तो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो यहां और यहां पर दो तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप देखो जरा, बॉडी डायगोनल पर दो पार्टिकल तो हो गए किसके, ए के, दो लेटिस पॉइंट तो ए ने बनाए, फिर बॉडी डायगोनल पर दो लेटिस पॉइंट बना रहा है कौन, टेट्राहेड्रल वॉइड वाला यानी कि डी वाला। ठीक, फिर एक बीच में होता है, बीच में जो बॉडी सेंटर होता है ना वहां पर एक पार्टिकल होता है, एक वॉइड होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बीच में बॉडी सेंटर पर होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला पार्टिकल कौन सा है, ये है भैया सी। तो एक पार्टिकल आ जाएगा बीच में, लेटिस पॉइंट किसका बनेगा, सी का बनेगा, तो यानी 2A, फिर एक बनेगा सी, फिर 2D बनेगा, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो है वो आपने ठीक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है आपको, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mmHg।
ठीक है, क्या आपको जो है वो 100 ग्राम वाटर में एक हमने सॉल्यूट मिलाया है तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कितना 732 mm है। ठीक, अब देखो फिर आपको के भी बोल रखा है तो क्वथनांक पूछा है, यानी कि एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू अपने पास होता है भैया के बी इंटू एम। मैं काम करता हूं डेल्टा टी बी निकाल लेता हूं, तो डेल्टा टी बी में जितना डिफरेंस आएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे तो ओवरऑल डेल्टा टीबी की वैल्यू चाहिए, और भैया डेल्टा टीबी अगर निकालना चाहते हो तो यहां पर केबी की वैल्यू तो अपने पास है कितनी, ये आ गई, ठीक, केबी इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए देखिएगा गिवन मास कितना 6.5 ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इसका मोलर मास, और नीचे आ जाएगा भैया मास ऑफ सॉल्वेंट 100, ऊपर चला जाएगा क्या 1000। अब मुझे अगर डेल्टा टीबी निकालना है तो जुगाड़ करना पड़ेगा, और जुगाड़ किसका करना है, जुगाड़ हमें करना है किसका, एम का। तो देखिएगा जरा कि हम एम का जुगाड़ करने जाते हैं तो आपको एक और हिंट दे रखा है कि भैया विलयन का वाष्प दाब कितना है 732, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 732। अब आप देखो एक हिंट और दिया है इसने कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे ये बता दो सोच समझ के कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है। तो भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर कितना वेपर प्रेशर रखता है, तो वो रखता है एटमॉस्फेयर के इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर होगा 760 mm ऑफ Hg। तो मैं ऐसा बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम ये निकाल लेते हैं RLVP, तो RLVP आपको पता है किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो ये हम बोलेंगे कि पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट ए, ये RLVP होता है। तो यहां से जो है वो x सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मैं मोल निकाल लेता हूं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेता हूं, तो भैया देखो पी नॉट ए तो मैंने कहा कितना है 760 है, पी सॉल्यूशन कितना आ गया, ये अपने पास आ गया कितना 732, जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो टोटल आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 760। ये ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन आ गई, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, खुद के मोल अपॉन सबके मोल। तो भैया खुद के मोल जो है, मैं ऐसा बोलूंगा देखो एन सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल मुझे निकालने, डिवाइड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन वाटर, टोटल मोल ऐसे निकालूंगा। और भैया देखो राउल्ट का लो हम लगाते हैं बहुत ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, आप यहां से भी देख सकते हो कि भैया सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन बहुत ही कम आ रही है, तो इस सॉल्यूट को आप वाटर के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो यहां से देखिएगा हमारे पास आएगा एन सॉल्यूट, ठीक है, और एन सॉल्यूट कैसे निकालूं, ये निकालने का तरीका हो जाएगा भैया गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे मुझे चाहिए वाटर के मोल, गिवन मास अपॉन 18 करूंगा तो 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये अपने पास आ रहा है 28 बाय 760। तो यहां से मैं काम करता हूं जी, मोलर मास निकाल लेता हूं, तो मोलर मास निकालूंगा तो 760 इंटू 6.5 इंटू 18 और डिवाइड बाय, ये नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 100 इंटू 28, ये हमारे पास निकल के आया भैया मोलर मास। इस मोलर मास को आप यहां पर पुट कर देना, बहुत सारी वैल्यू तो डायरेक्टली क्या हो रही है, कैंसिल हो जाएगी, 6.5 से 6.5 कैंसिल, 100 कैंसिल हो जाएगा, 18 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी, और कैंसिल होगी तो फाइनली आप देखोगे कि जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है ना, ये नियरली इक्वल निकल के आएगी 1 के आसपास, वैसे 1.04 के आसपास आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली 1 है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का वो हमारे पास कितना हो जाएगा 101 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। अब आप कहोगे कि सर अगेन बहुत लंबी कैलकुलेशन दे दी, भैया मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लंबी लग रही है, अदरवाइज अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में है या NCERT अगर आपने सॉल्व करी है तो भैया ये क्वेश्चन जो है तुरंत आपसे हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन फिर भी लैंग्वेज जो है उसमें सब कुछ रखा है। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, और नहीं आता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन को छोड़ दिया करो, क्वेश्चन को फालतू में छेड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को छेड़ दिया तो क्वेश्चन आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके -5 नंबर लेके जाएगा। ठीक है ना, 4 तो जो है वो आने थे वो ले चले गए, और 1 जो है वो नेगेटिव भी लेके जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को फालतू में नहीं छेड़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने फिर भी ठीक किया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, अगेन सरफेस केमिस्ट्री की, बटर इज ए कोलाइड फॉर्म इन विच, भैया बटर, तो ये इसमें शायद मेरे ख्याल से आपको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी, तो बटर जो है ना NCERT में दिया हुआ है।
ठीक है, जो टेबल है हम तो उसी की मानेंगे। तो बटर में जो है वो वाटर और फैट होता है, तो वाटर जो है वो डिस्पर्स होता है किसमें, फैट में, ठीक है। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं, ये याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भैया अपने पास, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स। आपको बोला है कि फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी है। आप ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए एंड बी, है ना, यहाँ ए और बी रिएक्टेंट है। फिर आपको बोल रहा है कि ये वाला स्टेप स्लो है, और आपको पता होना चाहिए कि जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसका हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप होता है। तो ये स्लो स्टेप जो है वो कैसा है, ये एलिमेंट्री स्टेप है। यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं इस स्लो स्टेप के लिए कि आर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि एलिमेंट्री स्टेप का जो अपने पास रेट एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ये आएगा। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर एलिमेंट्री स्टेप के रेट लो एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि जो एलिमेंट्री स्टेप का रेट लो एक्सप्रेशन आया है वो ही पूरी रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन होगा। अब उत्तरी कहां चला गया, तो एलिमेंट्री हमारे पास, वापस से एक बार देख लेते हैं कि हमने एलिमेंट्री स्टेप का जो रेट लो एक्सप्रेशन लिखा ना वो ये लिखा है, ये हमारे पास एलिमेंट्री स्टेप का रेट लो एक्सप्रेशन आया है। यहां अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि जो रेट लो एक्सप्रेशन एलिमेंट्री स्टेप का आया है वो ही ओवरऑल रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन होगा, यानी जो ऑर्डर जो है वो अपने पास यहां पर आया है एलिमेंट्री स्टेप के लिए वही कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो यहां पर कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2। इसमें इंटरमीडिएट देखो कौन कौन है, ए और बी रिएक्टेंट है, डी और ई प्रोडक्ट है, इनके अलावा जो भी दे रखा है वो जो है वो बेसिकली क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट है। जैसे यहां कहीं सी नहीं है तो सी जो है वो इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने ये भी सही किया होगा, एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, तो देखिएगा अगेन केमिकल काइनेटिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से भी रिलेट करता है, थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम से भी रिलेट करता है। तो भैया इसमें देखिएगा कि इन अपर एटमॉस्फेयर एन इंपॉर्टेंट गैसियस रिएक्शन अकर्स इन विच H2O एंड O रिएक्ट बायमोलिकुलरली टू फॉर्म 2OH रेडिकल। उच्चतर वायुमंडल की गैसीय अभिक्रियाओं में H2O तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विआणविक अभिक्रिया द्वारा 2OH मुक्त मूलकों के निर्माण की अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि भैया H2O और साथ में O ये आपस में मिलकर जो है वो 2OH फ्री रेडिकल बना रहे हैं, ये इस रिएक्शन की बात कर रहा है। फिर आपको बोल रहा है कि डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज 72 किलो जूल, मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी है भैया, 72 किलो जूल है, ये इस रिएक्शन का डेल्टा H है। अब आगे आपको फिर ये बोल रखा है कि भैया डेल्टा H तथा EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 72 और 77, तो इसमें जो है वो डेल्टा एच 72 दे दिया, ईए जो है वो दे दिया 77, ठीक है। मतलब इसी रिएक्शन का जो ईए है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ये दे दिया 77 और वो किलो जूल में है, तो ठीक है, यूनिट भी सेम। फिर आपको बोल रहा है देन ईए फॉर द बायोमोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन ऑफ 2OH फ्री रेडिकल। कहने का मतलब अगर इस रिएक्शन को आप ऐसा लिख दो, 2OH फ्री रेडिकल अगर रिकॉम्बिनेशन इनका जुड़ जाए, ठीक है ना, यदि 2OH मुक्त मोलकों द्वारा H2O बनने की योगात्मक अभिक्रिया के लिए ईए होगी। कहने का मतलब देखो ये तो है फॉरवर्ड रिएक्शन, ईए फॉरवर्ड बोल दूं तो आपको बैकवर्ड के लिए पूछ रहा, तो डेल्टा एच और ईए का रिलेशन क्या कहता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू ईए फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ये होता है। अब डेल्टा H की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी आपको, 72, EA फॉरवर्ड दे रखा 77 माइनस EA बैकवर्ड, तो हमारे पास निकल के आएगा भैया जी EA बैकवर्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर लेंथी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, वो बात अलग है, तुमसे होता नहीं है तो तुम लिख देते हो पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर है। एनसीईआरटी में जो एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम बना रखा है उसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 72, देख लो कि 72 क्या बोल रहा है कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस,
ठीक है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कहने का मतलब देखो आपको कई बार क्या करता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह केवल कंडक्टेंस लिख के दे देगा, कंडक्टिविटी लिख के दे देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यूनिट से पहचानना है कि आपको देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया, तो यानी ये कप्पा की वैल्यू दिया आपको, कप्पा की वैल्यू आपको दी है कितनी 0.12, ये आपको कप्पा की वैल्यू गिवन है, क्लियर बात। फिर आपको ये बोला देखो नॉर्मलिटी भी आपको दी है, कितनी है 0.1 नॉर्मल आपको दिया है, और वो क्या है KCl है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू, यानी कि R की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है 55 ओम की वैल्यू दी है R की वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो आपको ये दिया है कि सेल कॉन्स्टेंट क्या होगा, यानी कि एक तरीके से आपको सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1 नॉर्मल KCl के लिए विशिष्ट चालकत्व इतना है, वो अगेन हिंदी में जो है कुछ भी लिख के दे सकता है, चालकता, चालकत्व, विशिष्ट चालकता, ठीक है, आपको तो यूनिट से ही इसको पहचानना होता है। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है समान ताप पर इस विलयन से युक्त सेल का प्रतिरोध 55 ओम पाया गया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भैया कप्पा इज इक्वल टू 1/R और ये आ जाता है भैया कुल मिला के L/A, तो कहने का मतलब यहाँ नॉर्मलिटी का तो कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक है ना, आपको तो L/A पूछा है, तो L/A ये तो होता है सेल कॉन्स्टेंट, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा कितना कप्पा इंटू R, कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया 0.012 और ये हो जाएगा कितना 55, है ना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आ रहा है 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रो से जो है वो इतना सीधा क्वेश्चन आया है, पेपर जो है वो NCERT का ही, ये क्वेश्चन भी आपके आपको NCERT में और NCERT एग्जाम्पलर में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम टू सेम NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखिएगा जरा कि भैया गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शंस, अगेन इलेक्ट्रो का ही क्वेश्चन है, आपको दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो ई नोट, पहली बात तो आपको ये जो तीसरी रिएक्शन दी है इसका ई नोट पूछा है, तो तीसरी रिएक्शन के लिए हम ई नोट कैलकुलेट करते हैं। तो भैया देखो हमारे पास एक तो रिएक्शन ये है Mn+2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इन टू Mn, ठीक, और जो है ओके ये Mn है इस कन्वर्टिंग इनटू Mn, और साथ में इसका इनोड दिया है, इसको इनोड 1 बोल देता हूं, माइनस का 1.8 वोल्ट, क्लियर बात। सेकंड जो है वो आपको दे रखा Mn+3, देखो मुझे नेट रिएक्शन में Mn+3 चाहिए, मैं काम करता हूं इस रिएक्शन को फ्लिप कर देता हूं, जो दूसरी वाली रिएक्शन है इसको फ्लिप कर रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है 2Mn+2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2Mn+3 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन को फ्लिप कर दिया तो इसका जो इनोड 2 है ये भी क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, -1.51 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर बात। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये हुआ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3Mn+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2Mn+3, ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, ठीक, जो रिएक्शन इससे पूछ रखा वही आ गई। अब इसका जो है मैं बोल देता हूँ ई नोट। अब भैया देखना जरा कि जब भी हम दो रिएक्शन से या दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से तीसरे किसी रिएक्शन के लिए या तीसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो हम ई नोट को डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ई नोट जो है वो एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो एडिटिव नहीं होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होती है, तो इसको डेल्टा जी में बदलना पड़ेगा, डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव होता है, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँगा इसके लिए देखो डेल्टा जी नॉट 1, तो डेल्टा जी नॉट होता है माइनस NFE, तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी है 2, तो -2F और इसको मैं बोल देता हूं E0 1, इसके लिए लिखूंगा डेल्टा G0 2, तो -N, इसके लिए भी N की वैल्यू कितनी है 2F और ये हो गया कितना E0 2, और इसके लिए मैं लिखूंगा देखो E0 मुझे तो कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आएगा डेल्टा G0 इज इक्वल टू -N, इसके लिए अगेन N की वैल्यू कितनी है 2 ही है 2F और ये आया क्या E0, ठीक। तो यहां से अपने पास एक्सप्रेशन आएगा देखो जी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस का 2F ई नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2F ई नॉट 1 माइनस का 2F और ये क्या आ जाएगा ई नॉट 2, तो माइनस 2F 2F कॉमन हुआ, तो ई नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या ई नॉट 1 प्लस ई नॉट, तो यहां पर ई नोट निकालता हूं, ई नोट 1 की वैल्यू तो आ गई माइनस का 1.18 और ये माइनस का 1.51, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा माइनस का 2.69 वोल्ट। अब देखो क्या ई नोट आ रहा -2.69 वोल्ट, -2.69 -2.69, अब ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो हमें ये पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है भैया -NFE,
ठीक यही होता है। तो अगर E नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डेल्टा G नॉट कैसा आएगा, ये आएगा पॉजिटिव। और भैया जी डेल्टा G नॉट अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, उसको कंडक्ट करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां इस केस में जो है वो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, अब अपन सेक्शन बी में चलेंगे। तो सेक्शन बी में देखिएगा, सेक्शन बी में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं, ये आ गया सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में देखिएगा, फिजिकल वाला पोर्शन हमें सॉल्व करना है, फिजिकल वाला पोर्शन सॉल्व करना है, ये फिजिकल वाला पोर्शन हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिएगा 97 से स्टार्ट करते हैं। 97 आपको क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, हमारे पास MgCO3 का कोई सैंपल है, सैंपल है 20 ग्राम का सैंपल है। फिर आपको बोल रहा है डीकंपोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हीट कर दिया तो हमारे पास MgO बना और साथ में क्या बना, CO2 बना, ठीक है। अब इसका मास जो है वो कितना बन रहा है, 8 ग्राम बन रहा है। तो 8 ग्राम बन रहा है तो हम तो पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल कैसे निकालूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास 24 इसका हो गया और टोटल हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। 24 और 16 40, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 8/40 ही रहने देते, एक बार बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसके मोल बनाने हैं आपको, ठीक। अब आप सोचो कि इसका एक मोल बनाने के लिए आपको इसके एक मोल की जरूरत है, तो इसके इतने मोल बनाने के लिए आपको इसके कितने मोल चाहिए, इसके आपको मोल चाहिए भैया 8/40। कहने का मतलब उस सैंपल में अपने पास मैग्नीशियम कार्बोनेट के कितने मोल है, 8/40 मोल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया कितना, 8/40 का मतलब 2/5, ठीक है। तो ओके 2/5 नहीं, 2/ कितना आएगा, 10 आएगा, बोले तो 1/5। ये मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल आ गए, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल के बाद में हमें तो क्या करना है, इसका मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मोल इंटू इसका मोलर मास, तो 1/5 इंटू मोलर मास जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 60 और 84 हो जाएगा, ये लो जी, ठीक है। तो इतना ग्राम जो है, जो भी सैंपल है ना, उस सैंपल में टोटल जो है वो इतना ग्राम अपने पास क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अब हमें तो क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए मैं क्या करूंगा, देखिएगा जरा, परसेंटेज प्योरिटी निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है कि टोटल मास ऑफ सैंपल कितना है, 20, 20 में से इसका कितना है 84, गुणा नीचे कितना 5, और ये गुणा कितना कर दूं, 100 कर दूं, ये कैंसिल हुआ, कितना परसेंट आ गया भैया, 84% आ गया सैंपल की प्योरिटी, ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन और परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए, एक बार जो है वो मेडिकल के एग्जाम में या नीट में क्वेश्चन आया भी हुआ परसेंटेज प्योरिटी का, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाइल Fe+3 इज स्टेबल, Mn+3 इज नॉट स्टेबल इन एसिड सॉल्यूशन बिकॉज, अम्लीय विलयन में Fe+3 स्टेबल है जबकि Mn+3 नहीं। देखो ये क्वेश्चन जो है वो रेडॉक्स से भी बिलोंग करता है, इलेक्ट्रो से भी बिलोंग करता है। तो अगर आप जो है वो ECS को ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, आपको बोल रहा है Mn+3 स्टेबल नहीं है। अब भैया अम्लीय सॉल्यूशन है तो हमारे पास देखो क्या होगा, एक तो Fe+3 सॉल्यूशन का मतलब वहां पर वाटर होगा, एक Mn+3 और सॉल्यूशन का मतलब वहां पर कौन होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को वहां से क्या कर देता है, हटा देता है। आप ECS में देखा कि Mn+3 जो है वो वाटर से क्या आता है, ऊपर आता है, और वाटर से ऊपर आता है तो ये Mn+3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, जबकि Fe+3 जो है ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा भैया, वाटर को H2O और O2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसीलिए जो है वो Mn+3 स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। और भैया आपको ये बोल रहा है कि 4d 5p 5f 6p, एक तो 4d है, एक 5p है, एक 5f है, एक 6p है। ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, इनको ऊर्जा के घटते क्रम में क्या किया गया, व्यवस्थित अपन को करना है, ठीक है। तो भैया देखो एनर्जी डिपेंड करती है, आपको पता है कि n+l की वैल्यू पर, और अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l सेम आ जाए तो इस केस में एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए l की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं l की वैल्यू देखूं तो 0, 1, 2, 3,
ठीक है, यहां ये होता है एस, ये पी, ये डी और ये एफ के लिए, और इधर जो लिखा होता है वो कौन होता है, एन होता है। तो इसके लिए एन की वैल्यू 4 और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यानी एन प्लस एल, इसके लिए मैं चेक करूंगा तो इसके लिए कितनी आएगी 6, इसके लिए एन की वैल्यू 5 और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी 1, तो ये भी आ गया 6, इसके लिए एन की वैल्यू 5 और एफ के लिए कितनी हो गई 3, तो टोटल हो गया कितना 8, इसके लिए एन की वैल्यू 6 और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी 1, ठीक है, तो 6 और ये कौन सा है पी ही है ना, तो ये हो गई कौन सा 7 हो गया, ठीक। तो अब देखो जरा, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो अपने पास किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी किसकी 5F की, 5F के बाद में एनर्जी में कौन आएगा 6P आएगा, 6P के बाद में कौन आएगा इन दोनों में से 5P आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा 4D, ये अपने पास एनर्जी का घटता क्रम आएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी है 5F, फिर है 6P, फिर है 5P, फिर है 4D, ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 99, हो सकता है शायद आंसर की में जो इसमें कुछ गड़बड़ दिया हो, लेकिन टेंशन मत लेना, आपने किया है ना, आपने सही किया है, इतना कॉन्फिडेंस रखो आंसर की जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है ना, इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि भाई मैंने किया तो सही किया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो आपको देखो क्या बोल रहा है, ये तो ये रहा 100, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, देखिएगा जरा क्या कहता है क्वेश्चन, आपको ये बोल रहा है कि फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए डेल्टा एच कैसा है नेगेटिव है, यानी ये रिएक्शन जो है वो एक तरीके से एक्सोथर्मिक है, तो ये इसकी अपोजिट रिएक्शन ये कैसी होगी, ये एंडोथर्मिक हो जाएगी, इसके लिए डेल्टा एच कैसा आ जाएगा, इसके लिए डेल्टा एच आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा सही है, पहला बोल रहा है कि के इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, क्यों, के तो डिपेंड ही टेम्परेचर पर ही करता है भैया, ठीक है, के केवल और केवल टी पर डिपेंड करता है, के डिक्रीज एज टी डिक्रीज, तो भैया देखो के इज इक्वल टू हम बोलते हैं ए ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, किरचॉफ इक्वेशन। अब इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं k इज इक्वल टू ए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं e की पावर डेल्टा h अपॉन आर टी, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको। अब देखिएगा टेम्परेचर जो है वो अगर मैं इंक्रीज करता हूं, ध्यान से देखना, तो ये आर टी की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, आर टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये पावर वाली वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, और ये पूरी वैल्यू नीचे वाली वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर के जो है वो क्या होगा डिक्रीज होगा ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर के डिक्रीज हो रहा है तो मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है ठीक है। अगला ऑप्शन के इंक्रीज एज टी डिक्रीज, गलत हो जाएगा, के वेरीज विथ एडिशन ऑफ एनओ ना, के दुनिया बदले बदले लेकिन हमारे सामने नियतांक बिना ताप के किसी के बाप से भी ना बदले, ऐसे ही जो है मैंने अभी केएसपी का भी आपको कंसेप्ट बताया था, तो केएसपी भी जो है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वहां पर भी आप कुछ मिला दो NaOH मिलाओ चाहे कुछ और मिलाओ केएसपी चेंज नहीं होगा, यहां पर भी जो हो चाहे NO मिलाओ चाहे इनमें N2 मिलाओ O2 मिलाओ कुछ भी मिलाओ के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। तो भैया ये था आपका पेपर, पूरा पेपर NCERT से था, आपको पता है कि पूरा पेपर अपन NCERT से ही बनाते हैं, CLC के पेपर सारे NCERT वेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने पेपर अच्छा किया होगा, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट में लिखे बिना तो रहोगे नहीं, तो बिल्कुल कमेंट में मेंशन करें, इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।